है एवरीवन, आज हम बात करेंगे बायोफ्यूल के बारे में। तो बायोफ्यूल क्या है? कोई भी फ्यूल अगर हमें बायोमास से मिलता है तो वो बायोफ्यूल है। जैसे कि कुछ लोग खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सॉलिड बायोफ्यूल है। अगर हम अपने वेस्ट को बायो वेस्ट को अगर हम सड़ा के उसमें से गैस बनाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का बायोफ्यूल ही है। आज हम बात करेंगे लिक्विड बायोफ्यूल के बारे में। लिक्विड बायोफ्यूल के तीन प्रकार हैं, इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायो जेट फ्यूल। बायो जेट फ्यूल प्लेन्स में यूज़ होता है, प्लेन्स को फ्यूल करने के लिए। अब इथेनॉल और बायोडीजल दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्लांट्स के बायोमास से ये बनाए जाते हैं। अब इथेनॉल कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से बनता है, उसके बारे में बात करते हैं। इथेनॉल कॉर्न, शुगर केन, वीट, ग्रास, इन सब चीज़ों से बनता है। अब इन सब चीज़ों को पहले तो कॉर्न, शुगर केन को हार्वेस्ट किया जाता है, फिर इनको लो ऑक्सीजन में बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट करते हैं और इससे इथेनॉल बनता है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल ही है। अब इस इथेनॉल को हम पेट्रोल कार्स में यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल इंजन्स में यूज़ कर सकते हैं। अब बायोडीजल की बात करते हैं। ये बायोडीजल जो है वो ऑयल बेस्ड प्लांट्स में से बनता है। अब वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पाम ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, फिर ये हो गया, काफ़ी अजीब नाम है, जेट्रोफा, केनेलिना, सोयाबीन, रैप सीड, केनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एलजी ऑयल। और ये बायोडीजल बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसमें एक केमिकल प्रोसेस ट्रांस एस्टरीफिकेशन का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि मिथेनॉल को एज ए उद्दीपक यूज़ करते हैं और हमारे जो बायोमास के जो फैट्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और इससे बायोडीजल बनता है। अब ये बायोडीजल जो है वो डीजल इंजन्स में यूज़ होता है, ट्रक है, ट्रैक्टर है और इवन डीजल कार्स में भी। अब इनमें काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं कि आप प्योर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, बायोडीजल इंटू डीजल और इथेनॉल इंटू पेट्रोल। काफ़ी सारे रेशियोज़ अवेलेबल हैं मार्केट में। ब्राज़ील में ये प्रयोग काफ़ी सालों से चल रहा है। वहाँ क्या करते हैं, शुगर केन को जब फैक्ट्री में लेके जाते हैं और शुगर बनाई जाती है, उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको मोलेसिस बोलते हैं और इसमें ऊपर प्रक्रिया करके फिर इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं और उसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके कार्स में फ्यूल करते हैं। वैसे भी प्योर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी रेशियोज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं चौंक गया कि कच्छ में, भुज में दो बायोफ्यूल स्टेशन हैं। तो मैंने दोनों में से एक के विज़िट की और उसको शूट किया और वो वीडियो आपको बताऊंगा, उसका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको इसके बारे में डीप में जानना है कि किसी ने इसको टेस्ट किया है या नहीं फ्यूल रियल कार में, तो उसका भी एक यूट्यूबर है जिसने अपने कार में यूज़ किया है, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू। मैं जो मेरे पीछे देख रहा हूँ, मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, बायोडीजल वो भी कच्छ भुज में, यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या प्राइस है इसकी और क्या इसके फायदे हैं, तो आइए चलते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, इस आउटलेट का नाम है द्विजा बायोफ्यूल और मैं आपको रेट बता देता हूँ क्या है। 60 रुपीज़ पर लीटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 60 रुपीज़। जी हाँ, 60 रुपीज़ पर ये लीटर है। ये डीजल है, मतलब डीजल गाड़ियों में ये फ्यूल होता है, फ्यूल कर सकते हैं। इसके फ़ायदा क्या क्या है कि चलिए हम आगे आपको बोर्ड में ही बता देते हैं। GST कम है इसमें, असली डीजल से ज़्यादा एवरेज देते हैं। और ये देखिए, GST कम है, ज़्यादा माइलेज है, 100% है बायोडीजल है। ये जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए काफ़ी उत्तम है, ये काफ़ी आइडियल माना जाता है।
और जहाँ तक मैं जानता हूँ तब तक पेट्रोल और डीजल दोनों से कम इसके एमिशन्स हैं। तो हम अंदर जा रहे हैं। हाँ, ये है हमजा भाई और ये हमें बताएंगे थोड़ा बायो डीजल के बारे में। इन्होंने मुझे पहले ही बताया कि काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी उसमें वेरिएशन्स है बायो डीजल में भी प्योरिटी के हिसाब से। यहाँ पे जैसे कि दो सैंपल पड़े हैं, ये भी बायो डीजल के प्रकार हैं, काफ़ी डीप है बायो डीजल। और हमजा भाई हमें बताएंगे इन दोनों के बारे में कुछ। हमजा भाई, तो ये दोनों उनके प्रकार हैं राइट? हाँ, बायो डीजल, वो बायो डीजल ही है। बायो डीजल के फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो उसी का फ़ायदा है, आपको रेट में भी कम मिलेगा जी, 8 से 9 रुपया तो आपको वैसे ही कम मिलेगा जी। ऊपर से बायोडीजल में एवरेज भी ज़्यादा है जी। जैसे मैंने बोला कि वो बायोडीजल गाढ़ा जी, तो उसके कारण उसका एवरेज भी ज़्यादा आता है, 10 से 12% कुछ एवरेज भी ज़्यादा रहता है। ओके, प्लस में इसमें GST रिफंडेबल। ओके, अगर आप डीजल भरवाते हैं नॉर्मल डीजल तो उसमें आपको GST देना पड़ता है 18% जी, वो नॉन रिफंडेबल, और बायो डीजल में आपको 12% GST रिफंडेबल। ओके, वो भी फायदा है, यानी एक लीटर पे अगर आप देखने जाएंगे तो आपको सपोज के अभी 68 रुपीज़ चल रहा है, हमारे पास 8 रुपये में बेच रहे हैं, 8 रुपया एक और 3-4 रुपये का दूसरा फायदा हो जाएगा। ओके ओके, 11-12 रुपये के आसपास आपको कम पड़ेगा। ओके, ये ज़्यादातर तो ट्रक वालों को ही ज़्यादा फायदा होता है। ओके, क्योंकि उनका कंजप्शन बहुत बड़ा है जी। तो आप ये प्रपोज करेंगे सारे हेवी व्हीकल्स को कि वो ये जरूर से डलवाएं? हाँ, क्योंकि उनको फायदा ही है। और वो ट्रक में ऐसा नहीं वो 5 लीटर लिया 10 लीटर लिया, वो तो 300, 200, 250 इतना ही लेके चलता है। ओके, अगर वो 100 लीटर भी लेता है बंदा तो 1000 रुपया तो बचता ही है उसे। ओके ओके, थैंक यू हमजा भाई जानकारी देने के लिए।